हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप मेरे लिए कोई ना कोई टॉपिक हमेशा चुनते ही रहते हो। लास्ट टाइम आपने पूछा था कि एडमिन क्या होता है, मैंने एडमिन के ऊपर आपको छोटा सा एक वीडियो बनाया था, तो उसी के अंदर किसी भाई ने ये भी पूछ लिया कि सर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या होता है। अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ऐसे तो देखा जाए दोनों ही कंपनी के अंदर आते हैं, बट दोनों के काम थोड़े से अलग होते हैं। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, छोटे से में अपने इस कंसेप्ट को खत्म करेंगे सो दैट कि आपको एटलीस्ट टर्म पता लग जाए। मेरे जितने भी फ्रेशर्स या जो भी मेरे भाई हैं जो इस चीज के बारे में नहीं जानते, उनको बस थोड़ा सा पता लग जाए कि एक्चुअली ये टर्म है क्या। दोस्तों, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनी का जो बिजनेस का नेचर होता है उसके बेसिस पे कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। वो डिपार्टमेंट तो हर कंपनी में कॉमन होते ही हैं। एक होता है एचआर और दूसरा होता है मेरा एडमिन। दोनों के बारे में आप बखूबी जानते हो कि दोनों क्या करते हैं, बट अगर मैं बात करूं एडमिनिस्ट्रेशन की और मैनेजमेंट की, तो दोस्तों ये कोई डिपार्टमेंट नहीं होते हैं, ये दोनों मिलते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट से मिलके बनते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कुछ मेरे यूजर्स ही होते हैं जो क्या करते हैं। अब ये क्या के अंदर बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर मैं आपको लेमन टर्म में छोटा सा कोरिलेट करके एक एग्जांपल दे दूं तो मुझे लगता है आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। आप सभी लोग किसी ना किसी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो फैमिली को बिलोंग कर देते हैं कंपनी से, तो फैमिली इक्वल टू कंपनी। आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो वो लोग हो गए सारे के सारे आपके मैनेजमेंट। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वो हो गए मेरे मैनेजमेंट। अब आपके घर के अंदर किसी भी चीज के लिए रूल्स रेगुलेशंस या कोई पॉलिसी कौन बनाता है, कौन ये चीज का इनिशिएटिव लेता है कि कब उठना है, किसको खर्च करना है, कौन से बिल्स कब पे होने हैं, कहां से करना है, कहां से नहीं करना है, किसको क्या करना है, ये कौन डिसाइड करता है? दोस्तों, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े डिसाइड करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को, जिनको हम घर में इस तरीके के रूल्स बनाने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए चुनते हैं, उनको बोल सकते हैं हम क्या एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स या एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर एक कंपनी के अंदर, अगर एक फैमिली के अंदर 10 लोग हैं तो वो 10 के 10 लोग मेरे आएंगे मैनेजमेंट के अंदर कि वो सारे रूल्स और पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से चलेंगे, तो वो हो गया मेरा मैनेजमेंट। लेकिन उन 10 बंदों में से, फैमिली के अंदर जो 10 बंदे, उन 10 बंदों में से केवल 2 मदर और फादर, मतलब पेरेंट्स या जो भी बड़े, वो कुछ लोग ही मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएंगे। लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है? मदर और फादर। अब इसको कोरिलेट करके चलते हैं कंपनी में, तो कंपनी हो गई फैमिली। कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स ऑल्सो, क्लियर? ऐसा नहीं है कि वो रूल्स बना रहे हैं तो वो फॉलो नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर भी लागू होंगे। तो जितनी भी रूल्स और पॉलिसीज मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स या एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, वो सारे रूल्स मेरा कौन फॉलो करता है? पूरा का पूरा मैनेजमेंट फॉलो करता है। तो बहुत अच्छे से ये पिक्चर क्लियर होगी कि मैनेजमेंट का मतलब है पूरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कंपनी में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है उन सभी एम्प्लॉय में से कुछ ऐसे जो ऐसे अथॉरिटीज हैं जिनके पास ऐसे पावर्स हैं जो कंपनी के लिए रूल्स बनाएंगे, जो कंपनी की पॉलिसीज बनाएंगे और उन रूल्स को, उन पॉलिसीज को फॉलो करेंगे सारे एम्प्लॉय। तो ऐसे होते हैं कुछ, उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसमें से कुछ पावरफुल या जिनके पास ऐसी ग्रांट्स या पावर्स होती है उनको एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन बोल सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बोल लो आप, वैसा कुछ ऐसा होता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स बोल सकते हैं कि उनके पास उस तरीके की पावर्स हैं। सारे एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स ऑल्सो हो गया हमारा मैनेजमेंट। सो दोस्तों, अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, आपकी समझ में आ गया हो कि भाई किस तरीके से ये दोनों टर्म होती है, कि ये एम्प्लॉयज के अंदर ही आती है, बट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, जो बनाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो फॉलो करते हैं वो मैनेजमेंट। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जिनके लिए टर्म्स नहीं है, साथ में मेरी इस मुहिम में मेरे को सपोर्ट करने के लिए
आगे बढ़ाने के लिए, मुझे और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आपके पास ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते या ऐसी नॉलेज गेन करते करते या वीडियो देखते देखते सुस्ती आ गई है, मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है कुछ और करने का, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक दिया है। मेरे दूसरे ब्लॉग चैनल पे आप जा सकते हैं, कुछ चुलबुली मजाक की कॉमेडी, मेरे घूमने की, मेरे छोटे मोटे एक्सपीरियंस की वीडियोस आप देख सकते हैं। सो दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा और इसी तरीके से हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।